श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आपको पता है कि हम लोग श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत बच्चों को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ क्लास के मैथ का जो एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, होल नंबर इंग्लिश में से बोल जाता है पूर्णांक। आज हम उसे डिस्कस करेंगे होल नंबर। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर या पूर्ण संख्या पूर्णांक जिसे बोलते हैं, हम इसे पूर्णांक भी बोलते हैं और पूर्ण संख्या भी बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है जी। तो अब हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं या होल नंबर की बात करते हैं। होल मीन सब कुछ, पूर्णांक मीन पूर्ण अंक। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो पूर्ण अंक, ऐसे अंक जो पूर्ण है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं पूर्णांक। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि पूर्णांक होता क्या है और इसमें एट्थ क्लास में इसका क्या रोल है, नाइन्थ में क्या होगा या आगे इन फ्यूचर इसका क्या रोल होगा। तो अगर मान लो जो प्लस का है जो माइनस का है, जैसे माइनस की सर a1 है, माइनस का 9 है, माइनस के 10 है या 1 है या 7 है या 9 है या 10 है या 2 है, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। जिसकी वैल्यू पूर्ण हो, पॉइंट में ना आए, वो हमारे पास क्या होता है पूर्ण अंक होता है, या उसको होल नंबर बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं। ओके, अब हम इसका पूरी अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, इसका वो पूर्णांक को क्या हम कर सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, वो सारा यहां हम डिस्कस करेंगे। पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या आ गया, जो प्लस का है ची माइनस का है, और अगर पूर्णांक में हम लोग ची प्लस करें माइनस करें वो उसका पूरा रोल हमारे पास रहता है। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन, जमा, जोड़। हिंदी में बात करते हैं तो जोड़, और इंग्लिश में बात करते हैं तो एडिशन। एडिशन उसके बाद में हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन, घटा, सब्सट्रैक्शन। फिर बात करते हैं हम मल्टीप्लाई, गुणा। और फिर बात करते हैं डिवाइड मतलब भाग। अब हम आज पूरा होल नंबर पे ही डिस्कस, जो लेक्चर है मेरा होल नंबर पे ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करना करेंगे कि ऐड कैसे करते होते हैं। तो दो तरह के, मैंने आपको बताया था, चाहे वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, चाहे वो एक प्लस का हो सकता है एक माइनस का हो सकता है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे घटा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। पहले तो ये स्टेप है कि पहला तरह का तो ये होता है कि एक प्लस एक माइनस हो, दूसरा तरह होता है दोनों प्लस प्लस के हो, और तीसरा हो सकता है कि ये दोनों माइनस माइनस के हो। तो ये तीनों जो दोनों चीजें तीनों पार्ट ही बड़ा अहम रोल भूमिका निभाते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये प्लस है तो माइनस होगा या माइनस है तो प्लस होगा, और वो 12th तक भी इसको नहीं क्लियर कर पाते, तो आज हम इसको पूरे अच्छे तरह से स्टडी करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर ध्यान रखना कि ये पूर्णांक है या होल नंबर है, जोड़ घटा गुणा भाग हमेशा दो का ही होता है। एक हमारे पास, ये मैं टेबल बना रहा हूं यहां, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये पूर्णांक है, ये फर्स्ट मेरा है और ये सेकंड है। दो तरह के पूर्णांक हमारे पास ये दे रखे हैं। अब ध्यान रखना, अगर मुझे कहीं जोड़ करना पड़ जाए, प्लस करना पड़ जाए, तो ध्यान रखना है अगर मेरे पास एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा माइनस ही होगा, घटा ही होगा, पूर्णांक हमेशा घटा ही होगा अगर एक प्लस और एक माइनस है। मैं इसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा ये हमेशा घटा ही होता है। जैसे कि मेरे पास यहां
एक माइनस दो है और एक प्लस के पांच है। कहता है इसको बताइए कैसे बनेगा, तो मैं क्या करूंगा माइनस के दो प्लस का पांच, तो इसका जो आंसर है वो पांच में से दो माइनस होगा, आंसर आएगा तीन, मतलब ये घटा ही होगा अगर हमारे पास जो पूर्णांक है वो एक प्लस का हो एक माइनस का हो। अब अगर मैं दूसरी तरफ पढ़ता हूं कि ये पूर्णांक में क्या है, अगर मैं इस तरह पढ़ू घटा वाले में सबस्ट्रक्शन की बात करें तब क्या होगा, अगर सबस्ट्रक्शन की बात करें तो एक प्लस एक माइनस हो, मान लो एक प्लस है और मुझे माइनस करना पड़ेगा इस माइनस से, तो ध्यान रखना एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये हमेशा जोड़ दिए जाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चे की, कंफ्यूजन लास्ट टाइम तक जब तक वो टेंथ ट्वेल्थ तक रहते हैं ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता होगा, तो आज हम इसको बिल्कुल बेस से डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें कहीं जोड़ करना पड़ जाए एक प्लस एक माइनस हो घटाया होता है और घटाया करना पड़ जाए तो जोड़ होता है, अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा यहां, मान लो मेरे पास एक टू है और एक मेरे पास माइनस फाइव है, तो कहता है दोनों को घटाइए, तो कैसे घटाएंगे, टू माइनस ने माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो टू प्लस ने फाइव, आंसर आएगा सेवन। तो घटाया करना है तो जोड़ होगा, जोड़ करें तो घटाया होगा अगर हमारे पास एक प्लस और एक माइनस हो। अगर तीसरे तरह की बात करूं मैं गुणा, अब ध्यान रखना अगर मुझे कहीं भी मल्टीपल करना पड़ जाए और मेरे पास जो पूर्णांक है एक प्लस और एक माइनस हो, तो एक प्लस है और उसको मल्टीपल करना है और एक माइनस का एक प्लस का है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, आंसर में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर पूर्णांक है एक प्लस है एक माइनस है और दोनों को गुणा करना पड़ जाए तो आंसर मेरे पास हमेशा माइनस का आएगा। और अगर इसी तरह से भाग की बात करें, अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो और दोनों को मैंने भाग करना है तो आंसर यहां भी माइनस ही आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। तो मैंने यह डिस्कस किया कि अगर एक प्लस है एक माइनस है, जोड़ करना है तो घटा हो जाएगा, घटाया करना है तो जोड़ हो जाएगा, मल्टीपल करते हैं गुणा करते हैं तो नेगेटिव निशान आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी, और भाग करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ ऋणात्मक संख्या आएगी। अब अगर हम दूसरा जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, जो दो पूर्णांक थे मेरे, जो दो पूर्णांक थे दोनों ही प्लस प्लस के हो तो जोड़ेंगे तो जुड़ेगा और प्लस का आएगा, ये जोड़ ही होगा, यहां घटा करना है तो घटा ही होगा। मैं उदाहरण लेता हूं, ये दो है और दो चार बनेंगे, और यहां मान लो घटा करना है दो पांच और इसमें से दो घटा करना है, दोनों ही पूर्णांक प्लस प्लस के हैं तो घटाया होगा, आंसर तीन आएगा। गुणा करना है जैसे पांच गुना में दो, आंसर आएगा दस, ये प्लस का निशान आएगा, और अगर मुझे यहाँ भाग करना है तो भी मेरे पास प्लस का निशान आएगा, जैसे मैंने छह को दो से भाग दिया आंसर आया तीन, हमारे पास ये धनात्मक संख्या ही आएगी अगर दोनों प्लस प्लस है। जोड़ करेंगे जोड़ हो जाएगा, घटाया करेंगे घटाया हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर भाग करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। अब हम तीसरी चीज डिस्कस करते हैं, ये बिल्कुल बेस बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत बच्चों के कंफ्यूजन हो जाती है, तो आज हम इसको बेस पे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, अब हमें एक माइनस है और दूसरा पूर्णांक भी माइनस है और दोनों को मैंने यहां जोड़ना है, अगर दोनों ही माइनस हो तो वो जुड़ेंगे जरूर परंतु आंसर जो है वो ऋणात्मक आएगा नेगेटिव आएगा। अगर घटाया करना है एक माइनस है दूसरा भी माइनस है और मुझे माइनस करना है तो ये घटाए तो जरूर होंगे, जो साइन आएगा आगे जो साइन आएगा वो बड़े वाले का आएगा, अगर हमारे पास बड़ी संख्या है वो माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और अगर बड़ी संख्या है वो अगर प्लस है तो आंसर में हमारे पास प्लस आएगा, और अगर गुणा की बात करें तो दोनों माइनस माइनस की गुणा है वो हमेशा प्लस होती है, दो अगर पूर्णांक हमारे माइनस माइनस के हैं तो आंसर हमेशा प्लस का होता है। इसी तरह से अगर दो हमारे पास जो संख्या है वो माइनस माइनस की हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता होता है। तो हमने ये माइनस का डिस्कस किया, दो माइनस माइनस के हैं तो आंसर हमारे पास जो जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, घटा करेंगे अगर बड़े वाले माइनस के हैं तो आंसर माइनस
पूर्णांक को समझेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं उदाहरण दूंगा, मैं मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, कहता है कि -2 और इसको प्लस करना है और -10 से, तो इसको क्विक से कर लेते हैं क्योंकि मुझे जब मैंने डिस्कस किया था दोनों माइनस माइनस के हो तो जुड़ तो जाएगा, परंतु आंसर है माइनस में आएगा, 10 और 2 12 आंसर माइनस में आएगा। एक एग्जांपल और मैं डिस्कस करता हूं, मान लो मेरे पास यहां -3 है और गुणा करना है 5 से, तो 1 प्लस है 1 माइनस है, आंसर आएगा माइनस में और 5 के में 15। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तीसरे एग्जांपल में ले रहा हूं, कहता है माइनस के 10 को 2 से भाग देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस है तो आंसर आ जाएगा माइनस में 5। तो हमने डिस्कस किया 1 प्लस 1 माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो हमने पहले जो टेबल डिस्कस की थी उस टेबल में ये सब कुछ डिस्कस हो जाता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, कहता है कि -5 को मल्टीपल करनी है -3 से, कहता गुणा करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 3 15 दोनों माइनस माइनस के हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा 15, और 1 प्लस 1 माइनस हो तो माइनस आता है, दोनों माइनस माइनस हो तो प्लस आता होता है गुणा करते हुए। तो ये आज हमने पूर्णांक के बारे में सीखा कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक में हम अलजेब्रा कैसे लगाते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश करी है कि आपको समझाऊं और समझाया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी अगर आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिमाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा, हो सके तो मैं इसकी दोबारा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझा सकूं। और इस जो चैनल है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आज जो नई वीडियो में डालूंगा वो आपको बहुत जल्दी ही आपके पास आ जाएगी, पहुंच जाएगी। और इसको लाइक करें अगर आपको लगे कि आपके लिए वैल्यूएबल है और ये मेरे दोस्तों के लिए वैल्यूएबल होगी तो आप उनको शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।